अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डेली रूटीन के हिसाब से उठ चुके हैं, चलें चलते हैं अपने सेटअप पे। तो दिशान भी आया हुआ है और साथ में आज फहद भी आया हुआ है। फहद कहाँ गए थे इतने दिन? मैं लाहौर गया हूँ। क्यों, फैसलाबाद में कोई मिला नहीं आपको? नहीं, वैसे फिरने तुरने गए। अच्छा अच्छा, फिरने तुरने गए थे। तू चेक करें इनकी, चले चलते हैं हम। आजो तो आज का फिर क्या प्रोग्राम है, काम वगैरह? काम करेंगे अब और बात। चले चले चलते हैं। ये देखे घुमरे मारे इधर लगे हुए हैं। चलो चलते हैं अंदर। तो ये मिट्टी वगैरह भी लेके आए हैं, तो वो फिर नहीं हमारी डग्स। तो फाइनली ये हमारा हुआ डग्स हाउस तैयार। तो यहाँ पे लगाई हमने कड़ी। ये देखें ऐसे नीचे को ये खुल जाएगा, अंदर से डक्स बाहर आ जाएंगी। जैसे ही ऐसे साथ में सीढ़ियाँ बन जाएंगी इसके। वो सामने उसके लिए बॉक्स रखा है जहाँ पे अंडे वगैरह देंगी। ठीक है, चलें माइकल। तो ये देखें माइकल को दिशान ने बांध दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवारा घूमने लग गया था। ये दिशान जैसा हो गया था आवारा। अच्छा है ना दिशान? तो जैसा कि फाइनली हम अंदर पहुंच चुके हैं कमरे में। तो ये देखें रैबिट, ये क्या कर रहे हो? वो देखें, वो अपने घर में आ गया। अरे ये बात नहीं सुनते। रैबिट तीनों भाई हैं, लेकिन बच्चों का भी कोई अता पता नहीं। तो चेक करते हैं बच्चे कहाँ पे हैं। बच्चे अभी आ ही नहीं रहे। उनके सोने का करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारी खरगोशियों ने बच्चे दिए हुए हैं, लेकिन अभी बाहर नहीं आ रहे। तो चलें, इसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा। वो खुद ही बाहर हैं, लेकिन अभी बच्चे नहीं बाहर आ रहे, जल्दी वो भी आ जाएंगे। चलें, माशाल्लाह हमारे कबूतर सारे ठीक हैं। तो आज हम आपको देंगे सरप्राइज। सरप्राइज एक नहीं दो हैं आज। चलें आपको सरप्राइज दिखाते हैं। तो ये है हमारा आज का सरप्राइज। जैसा कि हमारी कबूतरी ने एक और ने बच्चा दे दिया है। तो माशाल्लाह हमारे तेज़ी से बच्चे निकल रहे हैं। तो लेकिन हमने जो सा इसके नीचे चूजे का रखा था वो अभी तक नहीं निकला, मुर्गी का सॉरी। तो ये हमारे चूजे बड़े हो रहे हैं, छोटे वाले भी और माशाल्लाह बड़े वाले भी। ये देखें कैसे आगे चारों आवाज़ की। तो जैसा कि हमारे ऑस्ट्रेलियन, इधर ऑस्ट्रेलियन को इधर धूप पड़ती है, इसका भी हल निकालना पड़ेगा। ये बहुत, इधर चेक करते हैं लक्की का बच्चा कैसा है। वो देखे माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया, ये तो बहुत जल्दी बड़ा होता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लक्की का बच्चा तो बहुत स्पीड से बड़ा हो रहा है, इतनी जल्दी में बड़ा हो रहा है। मुर्गी को चेक करते हैं, अंडा दिया मुर्गी। चले इसको भी खोलेंगे नहीं, क्योंकि अब दूसरी मुर्गियाँ खुली हैं, इन्हें बंद करके फिर उन्हें खोलेंगे। चले हम आगे चलते हैं। तो जैसा हमारी ये कबूतर बैठा हुआ है और कबूतरी खड़ी है, उधर भी सब तरफ शिफ्टें चेंज हुई हैं, क्योंकि उधर भी कबूतर बैठा है, लक्की की तरफ भी, और इधर भी कबूतर बैठा है, और उधर 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 कबूतरी है, कबूतर है नहीं जी शान, इधर भी कबूतर ही है। तीनों तरफ कबूतर ही बैठे हुए हैं, कबूतरी किसी के नहीं। और इधर ये कबूतरी बैठी है, लेकिन इसके अंडे में से अभी तक चिक्स नहीं निकले। कोई बात नहीं, वो भी जल्दी निकल आएंगे। चलें, इसका भी अंडा अभी तक नहीं बच्चा निकला, तो अभी हम इसे नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि इसके बच्चे निकल आते हैं। चलें, मौसम बहुत गंदा जा रहा है ना, मौसम बहुत ही ज़्यादा गंदा है, इसलिए इसके बच्चे मुश्किल निकलते हैं। चले हम चलते हैं, काम वगैरह शुरू करें। ईंटें आ चुकी हैं, तो ईंटों को भी गिल्ली करेंगे और लगाएंगे। जैसा कि ईंटें वॉशरूम में आ चुकी हैं, तो यहाँ पर हम चला देंगे शावर, बेहतर है शावर चला देते हैं। पानी आ जाओ, पानी नहीं आ रहा। ये ढक के देखें, ढक देखें
चले जी डग्स खुश हैं, आराम देखो कितना हमारा घर की आया नहीं रही भाई। चलो ऐसे डर रही है ये, उस दिन थोड़ा सा रह गया था तो इनके वगैरह खत्म हो गई तो आज फिर लेके आए हैं। तो चले इन्हें चलते हैं मुकम्मल करते हैं रैबिट हाउस। फाइनल ये रैबिट हाउस की दीवार जो उनसे थोड़ी सी रहती थी तो ये मुकम्मल हो चुकी है। तो आगे सिर्फ रह गया इसका
ऊपर लेंटर जो फर्श वगैरह जिस जो भी बोलने वो डलने वाला रह गया। अभी ये थोड़ी सी सख्त होंगी तो फिर वो भी हम डाल देंगे और रैबिट हाउस मुकम्मल हो जाएगा और रैबिट भी आ जाएगा। तो अभी तक तो वो रैबिट जोन्स हैं वो नीचे बैठे रहते हैं, ज़्यादा टाइम नीचे स्पेंड करते हैं क्योंकि अभी उनका हाउस मुकम्मल नहीं ना है तो वो बाहर आना पसंद नहीं करते। कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएंगे। के बाहर अब ये सीढ़ियां बनेंगी और साथ में बाहर की तरफ अभी टीप करेंगे, फिर अंदर की तरफ का भी काम करेंगे। तो फाइनली गाइस पुल के तैयार हो चुका है तकरीबन। तो जैसा कि सीढ़ियां वगैरह बन चुकी हैं, सीढ़ियां जो उनसे थी वो भी प्लस्तर होंगी, तो अंदर नीचे वाली तरफ फर्श डल चुका है, अब इस साइड से प्लस्तर होने वाली जाती हैं, बाहर की तरफ से भी हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह हमारे पुल का काम काफी हो चुका है, क्यों अब्दुल अहद? चले अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, देखें खरगोश तीनों भाई ने क्या कर रहे हैं, वजू कर रहा है वो। चले आगे चलते हैं, कबूतर वगैरह माशाल्लाह। तो आज हम आपको देंगे सरप्राइज, दिखाते नहीं होते, आज पहली मरतबा मेरा सरप्राइज आपको दिख गया। तो ये हमारा आया न्यू लक्का, आज एक और लक्का आ गया न्यू, चले माशाल्लाह ये भी साथ में इनके खिलेगा अभी इंशाल्लाह हमारे और आएंगे। तो ये हमारा हो चुका है रैबिट हाउस तैयार, जैसा कि हमने इस्माइल भाई नहीं इसमें राम रहेगा। ये इसको क्या हुआ, ये ऊपर को जाएगा, ये भी जा रहा है, इन्हें जाने दो कोई बात नहीं। तो जैसा कि रैबिट हाउस भी तैयार हो चुका है, तो जैसा कि हमारी डक्स को भी अंदर रहने, तो डक्स का हाउस वो आप सामने देख सकते हैं, डक्स हाउस भी तैयार हो चुका है। डॉक्टर उसका थोड़ा सा रहता है काम, वो सामने उसका अंडे वाला बॉक्स रख दिया है, जैसा ये देखें बहुत ही माशाल्लाह प्यारा हो गया। तो चलें अभी आगे चलते हैं, चूजे वगैरह। तो और सरप्राइज है, एक सरप्राइज आपको दिखाया नहीं अभी, एक और चले 1 2 3 4। तो ये रहा हमारे ऑस्ट्रेलियन का सरप्राइज, ऑस्ट्रेलियन ने दे दिया अंडा, तो ऑस्ट्रेलियन ने दे दिया अंडा। तो जैसा कि फाइनली माशाल्लाह कबूतर हैं दोनों अंदर बैठे हुए हैं, बच्चा इनका दोनों के सेंटर में है, तो माशाल्लाह चलें आज हमारा पूरा दिन इधर ही लग गया। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और ऐसे ही हम अपने जानवर बढ़ाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक करें कि हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शेयर करें, अस्सलाम वालेकुम।